जानते हो साबु, मैंने कल ही ये फुटबॉल खरीदा था, लेकिन बारिश की वजह से आज हम नहीं खेल पाएंगे। ग्राउंड में कुछ ज्यादा ही पानी भर गया है ना, पर क्या कर सकते हैं। अरे मेरी बॉल तो मैं छू के घर चली गई। अरे ये बॉल कहाँ चली गई? इधर देखते हैं। कब आओ, कब आओ, इधर आओ, देखो क्या हुआ साबु। अरे ये क्या, अब हम क्या करें? अरे सोचने दो, सोचने दो साबु। सच कहूँ तो ऐसे समय में हमें अपनी गलती मान लेनी चाहिए। पतली गली से निकल लेना चाहिए। देखो तुमने बाइक बेडशीट का क्या हाल बना दिया गांको। लेकिन माँ मैंने कुछ नहीं किया। अब झूठ बोलने की कोशिश मत करो गांको। थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें गार्डन में खेलते हुए देखा था। मैंने बेडशीट खराब नहीं की। देखो गांको, गलती हर किसी से होती है, लेकिन मुझे गुस्सा तब आता है जब गलती कबूल नहीं की जाती। मुझे भी अच्छा नहीं लगता जब कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता। अब बात हो चुका, मुझे गुस्सा आ रहा है। बस देखो मैं क्या क्या करती हूँ। गांको गुस्सा आ गया। मम्मी को तंग करने के तरीके सीखना चाहती हो? लेकिन तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो? अपनी मम्मी को तंग करना तो बहुत गलत बात है ना? लेकिन मॉम मुझ पर विश्वास नहीं करती। मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी वो कहती है मैंने बेडशीट गंदी की है। मैं नहीं सह सकती। अरे ये बॉल कहाँ चली गई? इधर देखते हैं। कब आओ, यहाँ आओ, ये देखो क्या हुआ साबु। अरे ये क्या, साइड में हो जाओ। तो मैं ऐसा ही करूंगी। ये मॉम की स्कर्ट तो बड़ी हो रही है। देखो, अब शुरू होगा असली तमाशा। गांको, क्यों शॉक लगा क्या? गांको, तुम तो हद से आगे बढ़ती जा रही हो। ये बदतमीजी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। गांको की तो आज खैर नहीं। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। तुम मम्मी, लेकिन गांको इतनी जिद्दी कभी नहीं थी, तो ऐसा तो नहीं कि उसकी गलती इतनी बड़ी ना हो। तुम्हें उसकी इतनी चिंता हो रही है तो उसके पीछे चले जाओ। आखिर तुम भी तो उसके बड़े भाई हो ना। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है, आज मम्मी भी जिद पर अड़ी है। ये सही रहेगा। देखो मैं जाकर गांको को मनाता हूँ, और तब तक तुम यहाँ सब कुछ संभाल लेना। हाँ भैया, सब कुछ ठीक तो हो जाएगा ना? आज चाहे मुझसे कोई भी कुछ भी बोले, मैं घर जाने वाली नहीं हूँ। मैं आज सारे बुरे काम करूंगी जिससे मम्मा को परेशानी होगी। गांको सुनो, तो तुम्हें इसमें टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दो। इसे संभालना मेरे अकेले की बस की बात नहीं है, पर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर एक इमरजेंसी है, मुझे तुम लोगों की मदद चाहिए, इसीलिए जा भी हो वहाँ से फौरन चले आओ। अभी आए, बस अभी पहुँच रहे हैं। मेरे बुलाने पर यहाँ तुरंत आ जाने के लिए शुक्रिया दोस्तों। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, गांको हमारी भी तो बहन है। देखो परमान, हम अपनी बहन के लिए इतना सब कुछ तो कर ही सकते हैं, है ना? हमें बेचारी गांको के लिए कुछ करना होगा। चलो पहले असली गुनहगार को ढूंढ निकालते हैं। एक मिनट रुको, गुनहगार को ढूंढना तो जरूरी है ही, लेकिन उससे पहले हमें गांको को संभालना होगा। मैं सच कह रहा हूँ। हाँ हाँ सच कह रहे हो, मैंने अभी अभी गांको को गड्ढा खोदते हुए देखा था कि लोग उसमें गिर पड़े। हाँ, तब तो हमें जल्दी से कुछ करना होगा। वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, बेफिक्र रहो। मेरी हिचकी तो बंद ही नहीं हो रही। अच्छा तो ये गड्ढा तुमने खोदा था लड़की? हाँ, तुम्हें ही मॉम से शिकायत करो। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ तुम्हारे वजह से ही मेरी हिचकी बंद हो गई है। थैंक यू वेरी मच। लगता है वो अब दीवार खराब करने की सोच रही है।
अगर हरुजो की मॉम को पता चल जाएगा तो वो उसको छोड़ेंगी नहीं, बहुत मार पड़ेगी उसे। लेकिन उसे रोकेगा कौन, इसलिए मेरे पास एक प्लान है, सुनो। मेरी इस पेंटिंग को देखकर हरुजो की मॉम जरूर गुस्सा होंगी और मेरी मॉम को जाकर कंप्लेन करेंगी। अरे वाह, क्या बात है, बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई है। ओ, मुझे नहीं पता था गांको कि तुम इतनी चैलेंटेड हो, काश मेरा हरुजो भी इतना चैलेंटेड होता। वैसे मैं एक ड्राइंग टीचर को जानती हूँ, क्यों ना जाकर उनसे तुम फॉर्मल ट्रेनिंग ले लो, क्या पता बहुत बड़ी पेंटर बन जाओ। मुझे यहाँ से जाना चाहिए। क्यों, कैसी लगी मेरी एक्टिंग? जी बहुत बहुत शुक्रिया आंटी। वैसे तुम लोगों ने वादा किया था कि मेरी दीवार फिर से पेंट कर दोगे। मैं पेंट का डिब्बा साथ लाया हूँ ना, ये देखिए। परमान, हम दोनों दीवार की पेंटिंग कर लेते हैं, तुम दोनों गांको के साथ रहो। जी शुक्रिया। चलो बूबी, अपनी पेंटिंग का कमाल आज दिखाई देते हैं, चलो शुरू करो। मुझे लगता है कि हमें मिचुओ के घर जाकर आंटी से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। वो सब तो ठीक है साबू, लेकिन मुझे लगता है हम दोनों को बहुत डांट पड़ेगी। लेकिन ऐसा करने से तो गांको की मॉम उससे कभी बात नहीं करेंगी ना। वैसे मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है साबू, चलो हम चलकर उनसे कहते हैं कि वो बेडशीट तुमने गंदी की थी। तुम अपनी गलती मेरे ऊपर क्यों डाल रहे हो कबाब? वहीं रुक जाओ। क्या मैंने जो सुना वो सही है, बताओ? पर तुमने सुन लिया? क्या हुआ, कोई आ क्यों नहीं रहा है? लगता है वो चाहती है कि लोग उस रस्सी पर से गिर जाए। चलो रास्ते के दोनों एंट्री पर जाकर लोगों को वार्न करते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक कहा तुमने। रुक जाओ, पकड़ो, कोई उसे पकड़ो, रुक जाओ। चलो परमान, चोर को पकड़ते हैं। पकड़ो, चोर को पकड़ो। परमान, पकड़ो गया। तुमने बहुत बहादुरी का काम किया है, बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से चोर पकड़ा गया। बोलो परमान, बोल रहा हूँ। हमने असली गुनहगार को पकड़ लिया है। लेकिन वो है कौन? वो साबू और कबाओ है, अब वो अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं अच्छी लड़की और मैं कोई गलत काम कर ही नहीं सकती, अब मैं क्या करूं? मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो, सारी गलती मेरी है, वो बेडशीट तो कबाओ ने गंदी की थी। देखा, मैंने आपसे कहा था ना, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैंने कहा ना, गलती मेरी थी। चलो घर चलते हैं। मैं ऐसी थोड़ी ना आऊंगी, पहले मुझे एक अच्छी वाली ड्रेस लाकर देनी होगी। हाँ बाबा, दिला दूंगी, अब गलती मैंने की है तो उसे सुधारूंगी भी मैं ही। और मुझे नए नए स्टफ टॉयज भी चाहिए और मुझे बहुत सारे चॉकलेट भी खाने हैं। हाँ सब दिला दूंगी। चलो सब ठीक हो गया है ना? शुक्रिया दोस्तों, अगर तुम सब नहीं होती तो पता नहीं आज। ये सब तो ठीक है, लेकिन कबाओ और साबू का क्या हुआ? मैंने उन्हें हरुजो के कंपाउंड वॉल को पेंट करने की सजा दी है। अच्छी है ना? देखा साबू, झूठ बोलने की कितनी बड़ी सजा मिली हमें, अब करो पेंट करो। अगर मुझे मालूम होता कि हम ऐसे फंस जाएंगे तो मैं नचू की मम्मी से पहले ही माफ़ी मांग लेता। लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी है कबाओ। चलो चलो काम करो वरना।